नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 2 मार्च 2020 जो है वो तारीख है। आज के संबंध में क्या सभी न्यूज़ निकल कर आई है, चलिए बात कर लेते हैं। पहली न्यूज़ है कि टीईटी का परिणाम घोषित करने को अनशन जो है वो जारी, छठवा दिन। न्यूज़ के अंतर्गत बात करें तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2019 के ओएमआर उत्तर पत्रक पर सीरीज या भाषा भरने में गलती के कारण जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया है उनके परिणाम घोषित करने की जो मांग है उसको लेकर अभ्यर्थियों ने रविवार को छठवें दिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बाहर जो है वो अनशन किया। रविवार को अनशनकारी अभ्यर्थियों से मिलने और उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने कई लोग पहुँचे, जिनमें सुनील यादव, अमरेंद्र बाहुबली, सुनील कुमार, अनिल सिंह, इस प्रकार जो है सभी नाम लिखे हुए हैं आदि लोग शामिल थे। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के रजत सिंह का कहना है कि हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में ऐसी कापियों को जांचने का आदेश दिया है, जब तक इनवैलिड ओएमआर सीट का मूल्यांकन नहीं होता है वे अनशन से जो है वो नहीं उठेंगे। अगली न्यूज़ हमारी 16 मार्च से परिसिद्धि स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं जो है यहां पर फतेहपुर की जो है ये न्यूज़ है और यहां पर टाइमलाइन जो है दे रखा है। बात करते हैं अगली न्यूज़ की। अगली न्यूज़ है हमारी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे इंजीनियर। यहाँ पर लिखा है जिले के 91 परिसिद्धि स्कूलों में सरकारी इंजीनियर गणित और विज्ञान पढ़ाएंगे। इसके अलावा सीडीओ आशीष कुमार ने निर्देशित किया है कि परिसिद्धि जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल हैं उनमें सप्ताह में कम से कम एक दिन इंजीनियर गणित और विज्ञान विषय जो है वो पढ़ाएँ और उसकी जो फोटोग्राफ है सहित सूचना व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मंत्री जूनियर शिक्षक संघ, उनके द्वारा बताया गया है कि इंजीनियर जो है उनसे पढ़ाने का आदेश औचित्यहीन है। हमारे यहाँ पहले से ही विज्ञान और गणित विषय के अध्यापक हैं, सरकार ने योग्यता परख कर उनकी भर्ती की थी, अब विश्वास नहीं है तो भर्ती ही जो है वो क्यों की थी। बात करते हैं अगली न्यूज़ की। अगली न्यूज़ है कि अब प्राइमरी के स्टूडेंट भी जो है वो बेंच और कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करेंगे, ये जो है वो आगरा की न्यूज़ है। हालांकि अब ऐसे कई स्कूल हैं जिनमें बेंच और फर्नीचर की जो व्यवस्था है ऑलरेडी जो है वो हो गई है, परंतु यहाँ पर बात की जा रही है जो है इस सुविधा से अछूते रहे हैं। बात करते हैं अगली न्यूज़ की। जल्द आएंगे कई बड़ी परीक्षाओं के परिणाम। इसमें जो परिणाम की बात की जा रही है वो है पीसीएस मेंस 2018, आरओ एआरओ 2017, इन सभी के फाइनल रिजल्ट का होगा इंतजार। बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो अपने ही भर्ती कैलेंडर से भटका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां होती हैं उसके संबंध में यहाँ पर लिखा गया है कि फरवरी के लिए प्रस्तावित ज़्यादातर जो भर्ती हैं वो गतिविधियां अटकी रहीं। ये लिखा है इसमें अभ्यर्थी पूरे महीने इन गतिविधियों का करते रहे इंतजार। यहाँ पर आप सभी जो है वो लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। बात करते हैं अगली न्यूज़ की। प्रश्न पत्रों को गायब करने में तीन धरे गए, यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उसको लेकर गाजीपुर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है। बात करते हैं अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ की। प्राइमरी स्कूल में स्मार्ट हो रहा भविष्य, इसमें जो लखनऊ है वहाँ से न्यूज़ प्रकाशित हुई है और एक स्कूल के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, मखदूमपुर के सामान्य सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जो है वो सुधर रही है, उसमें नवीनीकरण आप देख पा रहे हैं। तो यही चीज़ लिखी कि लोगों का जो जन सहयोग है वहाँ से इन विद्यालयों की जो स्थिति है उसको सुधारा जा रहा है। और ये भी लिखा है कि बच्चों के आईडी कार्ड बनेंगे जिससे कि, और इसमें पहचान पत्र की व्यवस्था भी जो है वो की जा रही है। तो यही था हमारी आज की सभी न्यूज़। में आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।